दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने करी है शाम में 7 बजे और हम जाने वाले हैं इंडियन स्टोर में। तो 8 बजे बंद हो जाता है इसलिए अभी हमें बहुत जल्दी जल्दी जाना है, लेकिन हमने सोचा चलो जा रहे हैं तो ब्लॉग भी बना लेते हैं और आपको दिखाएंगे कैसा है यहाँ का इंडियन स्टोर और क्या क्या वहाँ पे मिलता है। तो हमने कुछ कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेने हैं वो भी लेके आएंगे और चलिए फिर चलते हैं इंडियन स्टोर और आप भी हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए यहाँ जर्मनी का इंडियन स्टोर। चले मिशी, अब हम पहुंच गए हैं स्टोर में और मिशी को हर बार की तरह नींद आ गई है स्ट्रॉलर में ही। तो चलो अब चलते हैं अंदर स्टोर के। अभी स्टोर जो है ना वो बंद होने वाला था, 7:30 बजे बंद हो जाता है, हमें लगा 8 बजे बंद होता है तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें सामान लेना पड़ा और अंदर का जो स्टोर वो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो चलो कोई नहीं, अभी हमने क्या क्या सामान लिया है वहाँ से वो आपको दिखाते हैं घर पहुँच के। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं घर इंडियन स्टोर से और क्या क्या सामान लाए हैं हमने टेबल पर रख दिया है। ये है आटा, गेहूं का आटा, ये चाय पत्ती हो गया, ये हो गया आपका काबुली चना और ये मैगी हो गया, ये है लहसुन, इसमें लिया है हमने हरी मिर्च, ये गुड़ है, ये है मिक्स अचार और ये एक डब्बा हमने ले लिया है चिकन मसाला का। तो वैसे तो मतलब नूडल्स जो है यहाँ पे जर्मन स्टोर में भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या है ना मैगी का जो टेस्ट है वो अलग ही है, तो मैगी मसाला का कमाल है तो बढ़िया टेस्ट आता है इसलिए हमने मैगी ले ली। और मैगी खानी यहाँ पे काफ़ी महंगी है, अगर मैं देखूँ तो 3.5 यूरो का पड़ा है हमने ये पैकेट मैगी का। उसी तरह जो गुड़ है वो है 1 किलो और ये हमें पड़ा है आई थिंक 4.5 यूरो का गुड़ पड़ा है। और जो चाय पत्ती है वो भी बहुत महंगी है, 9 यूरो की चाय पत्ती है। तो कोई नहीं, जो ज़रूरी सामान है वो तो हमें लेना ही है और जर्मन स्टोर का काफ़ी बार हमने आपको टूर कराया है तो इंडियन स्टोर से भी हम इसी तरह की चीज़ें लेते हैं जो जर्मन स्टोर में नहीं मिलती है, जैसे कि हरी मिर्च नहीं मिलती है वहाँ पे और आपका ये हो गया गुड़ हो गया या फिर चाय पत्ती हो गई, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं तो इसके लिए हमें इंडियन स्टोर जाना पड़ता है। गार्लिक मिल जाता है जर्मन स्टोर में, लेकिन अभी हम इंडियन स्टोर गए थे तो वहाँ से यही इंडियन वाला जो गार्लिक है वो ले लिया। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग हमें ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।